नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग की तमाम खबरें हैं जो एक ही वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। नई भर्तियां रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व सीटी एलडीसी, तमाम राजस्थान की शिक्षा विभाग की सारी खबरें इस एक ही वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बनिए, लास्ट तक देखें ताकि आपको शिक्षा विभाग समाचार को लेकर जो बड़ी अपडेट है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही भर्ती से जुड़ी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहली खबर आ रही है एसआई पेपर लीक को लेकर। आपको बता दें कि एसआई पेपर लीक दिलवाने वाला सगा भाई एसआई और कांस्टेबल बहन गिरफ्तार। और बालोतरा में एसआई रहते हुए दर्ज हुआ था घूस मांगने का केस। और एसआई पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मंगलवार को सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया। और भाई जगदीश यहाग एसआई और बहन इंदुबाला जालौर में कांस्टेबल है। और आपको बता दें अगली खबर आ रही दोस्तों, देखिए इसमें जूनियर और तहसील रेवेन्यू भर्ती को लेकर है। और कल तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति और 5338 पदों पर ये होगी भर्ती। और इसके साथ ही अगली खबर आ रही, शिक्षा मंत्री ने निर्देश भेजे और इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने की कवायद, चार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का मामला। और वहीं दोस्तों देखिए, अब कांग्रेस सरकार में 19 में से 17 भर्तियों में पेपर लीक हुए, सभी की जांच करेगी एसआईटी, गृह राज्य मंत्री ने कहा है। दोस्तों देखिए, 19 में से 17 में पेपर लीक हुए, सभी भर्तियों की जांच होगी। जी हां दोस्तों देखिए, अगली खबर आ रही, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से अटकेगी चार भर्तियां। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में राजस्थान लोक सेवा आयोग की हॉस्पिटल केयर टेकर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और जूनियर लीगल ऑफिसर और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए परिणाम आने के बावजूद 1295 नियुक्तियां अटक सकती है। और माना जा रहा है कि इसी सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे देखते हुए विद्यार्थियों की चिंताएं बढ़ गई है। और वहीं दोस्तों देखिए, अगली खबर आ रही है, 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की होगी पदोन्नति। और वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति के बाद रिक्त हो जाएंगे 23,000 पद। और शिक्षा विभाग ने लंबे समय के बाद सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खोला है, इसके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। और वहीं दोस्तों देखिए, अगली खबर आ रही है, भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम ने वित्तीय मंजूरी दी है, 1220 चिकित्सा अधिकारियों के लिए रिक्त पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 70,000 सरकारी नौकरी देने की बजट घोषणा को मूर्त रूप में के तहत मंगलवार को चिकित्सा अधिकारियों के 1220 रिक्त पदों पर भर्ती करने के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दे दी है।